वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड दोस्तों, मैं अपने व्हाट्सएप पर जब भी किसी भी दोस्त को अगर किसी भी इमेज को जेनरेट करके उसे सेंड करना हो तो यहाँ पर मैं गूगल का यूज़ नहीं करता हूँ, बल्कि व्हाट्सएप पर ही यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर टैप करके यहाँ पर से कोई भी प्रॉम्प्ट्स देता हूँ और यहाँ पर से ऑटोमेटिकली वो इमेज मेरे माइंड के हिसाब से, यहाँ पर से थिंकिंग के हिसाब से क्रिएट हो जाता है, जेनरेट हो जाता है और इस इमेज को मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकता हूँ ईजिली। और ये कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि व्हाट्सएप एक नया फीचर है जहाँ पर से आप अपने व्हाट्सएप के चैट सेक्शन से ही किसी को भी अगर कोई भी इमेज जनरेट करके सेंड करना हो ना तो इजीली आप यहां पर से कर सकते हो। बट उससे पहले आप अपने व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना, तब जाकर के हो सकता है ये फीचर देखने को मिलेगा इमेजिन का, जहां पर से टैप करो और यहां पर कोई भी प्रॉम्प्ट्स वगैरह दो एंड यहां पर से आपका जो थिंकिंग के हिसाब से जो भी इमेज है यहां पर से जनरेट करके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं है, व्हाट्सएप पर इसके अलावा बहुत सारे नए नए अपडेट्स एंड फीचर्स आए हुए हैं। और अगर आपको नहीं मालूम कि कौन कौन से अपडेट्स आने वाले हैं और कौन कौन से फीचर्स आ चुके हैं, और आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए टोटल 10 बेस्ट एंड न्यू अपकमिंग अपडेट्स एंड कुछ फीचर्स आ चुकी है, उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर देखना, काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है ये वीडियो। मैंने अपने पिछली अपडेट वाली वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि एक व्हाट्सएप नया फीचर लाने वाला है ट्रांसक्राइब का, जहां पर से आप किसी भी वॉइस मैसेज को इजीली ट्रांसक्राइब करके उसे टेक्स्ट में रीड आउट कर सकते हो। और उसके साथ साथ एक और नया फीचर लाने वाला है यहीं पर कि आप अगर आप ट्रांसक्राइब करना चाहते हो तो आप अपना फेवरेट लैंग्वेज में ट्रांसक्राइब कर सकते हो। अगर किसी बंदे ने आपको हिंदी में यहाँ पर से मैसेज वॉइस मैसेज सेंड किया और अगर आप उसको इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करना चाहते हो, टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो ये फीचर देखने को मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से अपने पसंद की लैंग्वेज को चूज करके यहाँ पर से ट्रांसक्राइब कर सकते हो, उसे रीड आउट कर सकते हो। बहुत ही यूजफुल और बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फीचर है, मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा सही लगा। आपको कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब जिन लोगों को टेक्स्ट पर बातें करना नहीं आता, जिनको टाइपिंग करना नहीं आता, चाहे इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो, सिर्फ वॉइस मैसेज से ही वो लोग बात करते, तो उन लोगों के लिए एक नया फीचर आ चुका है कि अगर आपको किसी ने यहाँ पर इंग्लिश में टेक्स्ट मैसेज यहाँ पर से किया और आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो उस टेक्स्ट मैसेज को इंग्लिश से आप अपना फेवरेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो। अगर आपको हिंदी आती है या फिर अदर कोई भी लैंग्वेज आती है तो आप उस मैसेज को यहाँ पर से इजीली ट्रांसलेट कर सकते हो अपने पसंदीदा लैंग्वेज में, और उससे आप इजीली चैटिंग वगैरह कर सकते हो, बातें वगैरह कर सकते हो। बहुत ही बेस्ट फीचर है, ट्रांसलेट का ऑप्शन आ चुका है, आपको कोई भी गूगल का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोगों को व्हाट्सएप पर जब भी किसी के भी मैसेज पर रिएक्ट करना होता है ना, तो उसके लिए टैप एंड होल्ड करते हैं और फिर हम अपना रिएक्शन को सिलेक्ट करके उस पर रिएक्ट करते हैं। तो अब ऐसा नहीं है जैसे इंस्टाग्राम पर डबल टैप करने पर लाइक होती है, रिएक्ट होती है ना, तो वो फीचर आप व्हाट्सएप पर आने वाला है। किसी भी मैसेज को आप इजीली डबल टैप करोगे ना तो यहाँ पर रिएक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगी, बस वहाँ पर टैप करके आप अपने हिसाब से रिएक्शन को सेट कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है और काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिया है। देखो, व्हाट्सएप पर एक फीचर है इवेंट के नाम से, जहाँ पर आप अपने ग्रुप्स में इवेंट क्रिएट कर सकते हो कि इस डेट पर आप क्या करने वाले हो अपने ग्रुप से मिल करके। तो उसके साथ साथ ना इवेंट में ही एक और नया फीचर ऐड हो चुका है कि आप अपने इवेंट का साथ में जहाँ पर क्रिएट करोगे वहीं पर एक कवर फोटो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अगर कहीं पार्टी में जाने वाले हो और उसका इवेंट क्रिएट की हो तो इवेंट में यहाँ पर फोटो में यहाँ पर से पार्टी वाली कवर फोटो यहाँ पर से ऐड कर सकते हो, ताकि लोगों को पता चले कि ये किस रिलेटेड यहाँ पर से इवेंट्स क्रिएट हुआ है, या फिर कुछ भी और रिलेटेड अगर आप यहाँ पर से इवेंट क्रिएट करना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से उसमें कवर फोटो ऐड कर सकते हो। बेस्ट फीचर है ये भी। हम लोगों को व्हाट्सएप पर जब भी वीडियो या फिर फोटोज वगैरह स्टेटस में ऐड करनी होती है ना, तो कैमरे वाले ऑप्शन पर टैप करते हैं, तब जाकर के वीडियो और फोटोज का ऑप्शन आता है। और अगर हमें टेक्स्ट में यहाँ पर स्टेटस ऐड करनी होता है तो टेक्स्ट वाली ऑप्शन पर टैप करके यहाँ पर से वॉइस मैसेज भी यहाँ पर से ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। बट व्हाट्सएप ने इन सब चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट कर दिया, सारी चीज़ों को एक साथ ला दिया है यहाँ पर कंपोजर फीचर के नाम से, जहाँ पर आपको टेक्स्ट मैसेज, वीडियो या फिर यहाँ पर से फोटोज वगैरह ऐड करना चाहते हो सारी चीज़ें यहीं पर देखने को मिल जाएंगे। एंड स्टेटस में आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, कहीं भी अदर अदर जगहों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें एक ही जगह देखने को मिल जाएगी। देखो, व्हाट्सएप पर ना हर कोई अपने हिसाब से फेवरेट चैनल्स को यहाँ पर से फॉलो कर रखा है, कोई 5 कर रखा है, कोई 10 कर रखा है। और अगर आपको अपना फेवरेट चैनल, जो आपका एक फेवरेट चैनल होती है ना, उसको फाइंड आउट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है ना, तो व्हाट्सएप ने एक फीचर लाया था जहाँ पर से एक चैनल को आप पिन कर सकते हो। बट आज से आप अपने व्हाट्सएप पर दो चैनल्स को इजीली पिन कर सकते हो एक साथ। ये फीचर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, ये फीचर आ चुका है, देखने को मिल चुका है मुझे भी एंड आपको भी मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिला तो अपडेट कर लेना एंड आप अपने किसी भी दो चैनल को ईजिली एक साथ पिन कर सकते हो और अपने फेवरेट चैनल्स को ऊपर में रख सकते हो। और उसी के साथ साथ व्हाट्सएप ने चैनल्स में ही एक और नया फीचर रोल आउट कर दिया है, जहां पर अगर आप अपने किसी भी चैनल को इस साइड स्लाइड करते हो तो यहां पर पिन करने का ऑप्शन आएगा या फिर आर्काइव करने का ऑप्शन आएगा, और अगर इस साइड स्लाइड करोगे तो डिलीट करने का ऑप्शन आएगा और मोर का ऑप्शन आएगा, जहां पर से आप सारी चीज़ें खुद से यहां पर चैनल को कस्टमाइज कर सकते हो भाई इसको आपको क्या करना है। तो ये जो शॉर्टकट है ना, काफ़ी ज़्यादा आसान
हो चुकी है, आपको टैप एंड होल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो आईफोन में ना फाइल शेयरिंग करने का काफी ज्यादा मसला हो जाता है, जैसे कि अगर हमें एंड्रॉइड टू आईओएस करना या फिर आईओएस टू एंड्रॉइड करना ना काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो आईओएस के व्हाट्सएप में ना एक बढ़िया सा फीचर देखने को मिल जाएगा। अब व्हाट्सएप पर एक नया फीचर लॉन्च करने वाला है फाइल शेयरिंग का, नियर बाई का, जहां पर आप अपने आईओएस डिवाइस से अपने एंड्रॉइड डिवाइस में भी शेयर कर सकते हो। इसका तो नहीं मालूम, बट अगर हो सकता है इन फ्यूचर ये फीचर लॉन्च होता है तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप अपने आईओएस से एंड्रॉइड में फाइल शेयरिंग कर सकते हो। बाय द वे यहां पर एक नया फीचर लॉन्च करने वाला है, बहुत जल्द देखने को मिलेगा आईओएस में यहां पर से फाइल शेयरिंग का, जहां पर आप किसी भी फाइल को इजीली शेयर कर सकते हो अदर अदर डिवाइसेस में। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो का 10th एंड लास्ट व्हाट्सएप अपडेट के बारे में। तो अगर आप एक नया फोन लेने वाले हो और नया फोन ले चुके हो, तो जब भी आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को ना नया फोन में लॉग इन करते हो तो यहां पर आपकी जितनी भी चैट्स है ना वो सब नहीं आती है, जस्ट बिकॉज आपने अपने व्हाट्सएप के चैट्स को बैकअप करके नहीं रखा और उसके लिए भी स्टोरेज नहीं है। तो इस सिचुएशन में व्हाट्सएप एक नया फीचर लॉन्च करने वाला है कि आप अपने ओल्ड फोन के जितने भी चैट्स हैं ना आप अपने न्यू फोन में ट्रांसफर कर सकते हो। काफी ज्यादा यूजफुल फीचर है, अगर आप नए फोन में अपना अकाउंट लॉग इन किए हो चैट्स नहीं आ रही है तो सबसे पहले आप उनको ट्रांसफर कर सकते हो ओल्ड फोन से आप अपने न्यू फोन में अपने चैट्स को इजिली, और कोई भी व्हाट्सएप को यहाँ पर से लॉग इन कर सकते हो। बहुत ही कमाल का और काफी ज्यादा यूजफुल फीचर है, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। ओके, अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखे होंगे तो आपको व्हाट्सएप के 10 न्यू बेस्ट अपकमिंग अपडेट्स एंड फीचर्स के बारे में मालूम चल गई होगी। कौन से फीचर आपको ज़्यादा अच्छा लगा, यूजफुल लगा, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप यूजर्स फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना, उन लोगों को भी मालूम चले। और वीडियो अगर हेल्पफुल हुई, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो क्या कर रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेना। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, एंड थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।